छत्तीसगढ़ में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां प्रदेश की सियासत में समाज के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धमतरी में भाजपा विधायक ईश्वर साहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू पर साहू समाज के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तब उन्हें साहू समाज की याद आती है। ऐसे लोग ना तो समाज के होते हैं और ना ही देश के होते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। ये बस साझा की घटना बहुत ही दुखद घटना थी और इन पे हमारी जो पूर्व में सरकार थी, कांग्रेस की आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसमें से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी रहे, और उनकी ये संवेदना रही कि तुरंत तत्काल अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा गया और यथासंभव उनको मदद की गई। आज श्रीमान ईश्वर साहू जी जो साझा के विधायक हैं, वो एक राजनीति करण कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में आकर समाज साहू समाज को बलगलाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं ईश्वर साहू से यही कहना चाहूँगा कि आपको आपके लड़के की जो शहादत हुआ उनका आपको क्षतिपूर्ति मिल चुकी है, आप विधायक हैं, बहुत धर्ममय पद में हैं, आपको इस प्रकार से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं बहुत ही सम्माननीय ताम्रध्वज साहू जी और बहुत ही सौम्य हैं, सभी समाज को लेकर चलता है, साहू समाज को लेकर चलते हैं और अन्य सभी समाज को लेकर चल रहे हैं, तो मैं इसका खंडन करता हूं और इसका घोर निंदा करता हूं। हाँ जरूर, आज भाई आप देख लीजिए कि किस प्रकार से वो हमारे महासमुंद लोकसभा में आकर अनर्गनल बयानबाजी देकर वो साहू समाज को बलगलाने का काम कर रहे हैं और अन्य समाज को भी बलगलाने का काम कर रहे हैं। भाई उनको जो पीड़ा है हमें भी पीड़ा है, उनके परिवार में उनके पुत्र का निधन हुआ, उससे सभी हमारे कांग्रेस जन को सभी को पीड़ा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सब वर्गों को लेकर चल रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों को काम कर रहे हैं, सभी समाज को सर्वहारी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे पर्टिकुलर किसी एक समाज को लेकर काम नहीं कर, सभी वर्गों के लिए काम कर। अभी जो अभी समाज के नाम से महासमुंद लोकसभा चुनाव में गांव गांव घर घर जाके वोट मांगाते हैं, तो हमारे समाज के लोग कभी माफ नहीं करें। ऐसे लोग अपने जब चुनाव के टाइम में आते तो समाज के याद आते हैं, बाकी टाइम में बोले याद नहीं आए ना। ऐसे लोग ना वो समाज के होते हैं, ना धर्म के होते हैं, ना देश के होते हैं। अभी जो